आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर सरफिरे ने धारदार हथियार से हमला कर दिया गया है। इस हमले में 2 जवान घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। बता दें कि जाँच के लिए ATS गोरखनाथ मंदिर पहुंची है। SP ATS अभिषेक के नेतृत्व में जांच जारी है। 307 और 7 CLA के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा अलग अलग जनपदों में टीम भेजी जा रही है और घायल पीएसी जवानों के परिजनों को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। अब ACS गृह अवनीश अवस्थी और ADGLO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। UPATS पूरे मामले में जांच करेगी। ACS गृह का कहना है कि इससे आतंकी घटना मानने से इनकार किया जा सकता है। वहीं इस घटने के बाद मंदिर में भी अफरा तफरी मच गई। अचानक से यह घटना हुआ जिसके बाद से सर ऐसे PSC वाले सब कर बैठे थे। वो अकस्मात आ गया उधर से। जब आया तो ऐसे गमछे में लपेटा था, उसमें से निकाला और पता नहीं दोनों में क्या बात हुई। तुरंत वहाँ से कावल ओकर बाकी उनको चलाना शुरू कर दिया। वो बाकी दोनों हाथ से पकड़ लिए, लेकिन वहाँ से पकड़े आए थे। यहाँ पे एक साइकिल था, साइकिल में फंस गए, गिर गए वहाँ पर। गिरने बाद वो कावल बाकी से लगा मारने उनको। वजह तो हमको भी नहीं मालूम है कैसे मारा, पागल है कि क्या है, कैसे है सर। हाँ सर, कौन था, कहाँ का था, कुछ पता चला? अब सर हमको तो अरे अभी मालूम नहीं। हम क्योंकि सर यातायात वाले हैं। शाम 7 बजे के करीब मंदिर के जो गेट है, जो रोड पर ही गेट है, आपने देखा होगा, वहाँ पर 2 हमारे PSC के जवान जो ड्यूटी पे मौजूद थे, उस पर ये व्यक्ति आकस्मिक रूप से जानलेवा हमला करता है। इसके पास एक धारदार ऑब्जेक्ट था जिससे वो हमला करता है, जिससे एक हमारा आरक्षी घायल हो जाता है। वो उसको रजिस्ट करने की कोशिश करता है। वहाँ के उपस्थित पुलिस बल ने उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो भागता है अंदर और PSC का एक पोस्ट है, वहाँ पर पुलिस वालों पर हमला करता है। उसको फिर एक हमारे सिपाही ने बहादुरी करके, अनुराग नामक सिपाही है, अच्छा बहादुरी करके उसको पकड़ता है। इस दौरान पुलिस ने काफ़ी धैर्यपूर्वक कार्य भी किया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और धैर्यता से इस पर कंट्रोल करने की कोशिश किया और उसको फिर बलपूर्वक उसको ओवरपावर कर किया गया। जिस तरह से ये घटना हुई है, उस घटना के दौरान ये धार्मिक नारे भी ले रहा था। इस प्रकरण से कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग टेरर एंगल। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। इसमें हम लोग ने ATS दस्ता और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया और ज्वाइंट टीम्स जिला पुलिस की, ATS की और इंटेलिजेंस की इसकी छानबीन करेगी और फिर अग्रिम कार्रवाई करेगी। इस खबर अधिक जानने के लिए संवाददाता हिमांशु गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गोरखपुर में सीएम के गढ़ में इतना बड़ा हमला, हालांकि ACS होम अवनीश अवस्थी का भी कहना है कि इसे आतंकी घटना मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपको क्या लगता है, कोई सरफिरा था या फिर वाकई में किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था? बोलना उचित नहीं होगा। हालांकि लखनऊ से ATS के SP जो हैं अभिषेक सिंह, वो भी गोरखपुर पहुंच चुके हैं और घटना की सूचना मीडिया पे मिलने से और काफी हद तक योगी आदित्यनाथ जी से सोचने लगे हैं और उन्होंने इससे एक्शन लेने के लिए भी बोला हुआ है और खुद गोरखपुर पहुंच रहे हैं। हालांकि 4 बजे का समय था योगी आदित्यनाथ का पहुंचेगा और हम ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, ठीक इसी जगह पे, इस स्कूल के पास। आपको बता दें कि यहाँ पे ही युवक जो है गिरा है भाग करके और मंदिर पे पूरी तरह से, आप सामने मंदिर है, मनोकामना मंदिर है और यहाँ पुलिस पूरी तरह से तैनात हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट कर दी गई है और जांच किया जा रहा है। और क्योंकि इसमें पूरी तरह से आतंकी घटना से होने का पुलिस दावा कर रही कि कहीं ना कहीं एंगल हो सकता है टेरर एंगल। ऐसे में आपको बता दे कि अभियुक्त जो है, क्योंकि मुंबई में रहने वाला था, केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ था और अभियुक्त अहमद मुर्तुजा जो है और उसके पिता खुद इंजीनियर है, ठीक है, मुनीर अहमद, और ऐसे में उसका जो है टेरर एंगल के लिए पुलिस बोल रही है। और हम खुद खड़े हैं यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर पर और ये आप देख सकते हैं यहाँ गेट है
गोरखनाथ मंदिर का, और यहीं पे पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था की जांच हो रही है। देखिए गाड़ियों की जांच की जा रही है और पूरी तरह से यहाँ पे पुलिस ने हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी पूरी तरह से जांच में जुटे हुए हैं। 5 टीमें गठित की गई हैं। गोरखनाथ थाने पर 2 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। ऐसे में ये कहना उचित होगा कि अभी इसके लिए इंतजार करना है कि क्या इसमें गहरा रंगर था या फिर किसी तरीके की इसमें साजिश थी या वो शंकित। हालांकि पकड़ा गया युवक जो है वो अपने आप को मानसिक रूप से विस्तृत होने का नाटक कर रहा है या फिर वास्तविकता में वो मानसिक रूप से विक्षुप्त है। एसपी भी जांच कर रही है, पुलिस कई तरह से एंगल की जांच कर रही है। इसी जगह पे देखिए पुलिस के जवान तैनात होते हैं और इसके अंदर ही रहते हैं जहां से उसने आकर के विवाद किया और हमला किया। ऐसे में आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी भी है, बात करने की कोशिश भी करते हैं कि क्या था, किस तरीके से ये घटना है। और ये आप देख लीजिए कि पूरी तरह से पुलिस यहाँ मुस्तैद है। नागेंद्र जी आप यहाँ पे हैं और क्या घटना रही है, किस तरीके का ये वारदात रहा है? आप ड्यूटी में लेते लेकिन फिर भी यहाँ घटना हुई है, उसके विषय में जानकारी आप दे ही सकते हैं? हथियार से मारा है, ज्यादा कुछ पुलिसकर्मी बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि अधिकारी इसमें संज्ञान लिए हुए, अधिकारियों का दौरा हो रहा है। डीजी से लेकर के एसपी, एटीएस और एसएसपी गोरखपुर तक यहाँ पे लगे हुए हैं और इसमें 360 की धारा लगाई गई है हत्या करने के प्रयास से, और इसके साथ साथ 7 CLA भी लगाया गया है और इसमें पूरी तरह से पुलिस जो है जाँच कर रही है और SDM को इसकी जाँच दी गई है। बिल्कुल हिमांशु, फिलहाल जो 2 जवान घायल हुए थे उनकी हालात कैसी है? जो 2 जवान घायल हुए हैं उनका जो है पूरी तरह से उनको चिकित्सा उपचार में रखा गया है और उनको देख रेख की जा रही है। हालांकि उसको जो है इनाम की भी घोषणा की गई है, 5-5 लाख रुपए का उनको मुआवजा राशि दिया जाएगा क्योंकि वो घायल है। और इसमें से एक सिपाही जाबाजी से जिसने पकड़ा है उस युवक को संभाला है उसको जो है किसी ना किसी तरीके से सम्मानित किया जाएगा। SSP इसका प्रशस्ति पत्र भी दे सकते हैं, कभी भी इसके लिए घोषणा हो सकती है कि उसको प्रशस्ति पत्र दिया जाए, बहादुरी का इनाम दिया जाए। हिमांशु, जिस युवक ने इस हमले को किया है उस युवक के बारे में क्या कुछ अभी पता चल पाया है? जी, वो सिविल लाइन का रहने वाला है। 2002 अक्टूबर से वो सिविल लाइन गोरखपुर में रह रहा था। इसके पहले पूरा परिवार उनका मुंबई रहता था और मुंबई में ही उनके पिता भी जॉब करते थे, इंजीनियर हैं जो यहाँ पे आकर के 2002 अक्टूबर से बसे हुए हैं। और लड़का भी युवक जो है मुर्तुजा वो भी मुंबई में ही जॉब करता था और वहाँ पे उसने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई थी। अभी क्या कुछ अधिक जानकारी है और जो जांच पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है क्या कुछ मामले और निकल करके सामने आए हैं? क्योंकि एक भारी सुरक्षा जो मंदिर में है वो भारी सुरक्षा रहती है, उसके बावजूद भी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, तो अब क्या कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं कि रोक लगाया जा सके और अच्छे से मामले की छानबीन की जा सके? जी बिल्कुल, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहती है, हर जगह जांच होती है। ऐसे में गेट पर आते ही युवक जब अंदर नहीं जा पाया तो उसने हमला कर दिया, धारदार हथियार से हमला किया है। हालांकि उसके पास बैग में लैपटॉप भी था, मोबाइल भी था, उसकी भी जांच की जा रही है। एक युवक उसके साथ जो था वो अभियुक्त के साथ वो भाग गया और भागने में कामयाब रहा। पुलिस उसकी जाँच कर रही है कि वो युवक कौन था, कहाँ था, और उसके जांच के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं और उनको ढूंढा जा रहा है उस युवक को कि कहां भाग के गया है, कहां का रहने वाला था। ऐसे में अभियुक्त जो था उसके भी पिता से और उसके परिजन से, उनके रिश्तेदारों से बातचीत चल रही है, उनसे जांच किया जा रहा है। अधिकारी बात कर रहे हैं, खुद SP जो है लखनऊ से चले हैं अभिषेक सिंह, ATF के SP है, वो उनसे जांच से बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उनसे बातचीत किया जा रहा है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है कि क्या था, क्या वो मानसिक रूप से विक्षुप्त है या फिर वो किसी तरीके की साजिश कर रहा था। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी कमेटी ने सोमवार को स्टेट रिपोर्ट दाखिल की है। स्टेट रिपोर्ट में कहा गया है कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की सिफारिश की गई थी। SIT ने 2 बार जमानत रद्द करने की सिफारिश भी की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि साक्ष्य के अनुसार आशीष मौके पर था। आशीष ने डिप्टी CM के मार्ग बदलाव की जानकारी भी थी। इसी के साथ ही यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। तिकुनिया मामले में लगातार लोगों की नजर बनी रही है, लगातार तिकुनिया मामला एक केंद्र बना रहा है। जिस वक्त यह मामला हुआ था उस वक्त किसानों का भी प्रदर्शन चल रहा था, लगातार लोगों की नजर इस मामले पर बनी हुई थी। वही इसी बीच एक और अहम फैसला सामने आया है और आपको बता दें कि
ये भी लोगों का कहना था कि जानबूझकर आशीष मिश्रा ने ऐसा किया है, लेकिन बाद में इसकी जांच हुई थी, टीमें भी गठित की गई थी, कई बातें सामने आई थी, उसके बाद आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने की भी सिफारिश की गई थी। एसआईटी ने दो बार जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साक्ष्य के अनुसार आशीष मौके पर था, आशीष मिश्र के मौके पर जो होने की बातें वो साक्ष्य के आधार पर कही गई थी। डिप्टी सीएम के मार्ग में जो भी बदलाव होना है इसकी जानकारी आशीष को पहले से थी। इसके बाद अब इसी के साथ ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को के फैसले को अभी भी सुरक्षित रखा है। वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लखीमपुर से हमारे धीरज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धीरज, लखीमपुर हिंसा से जुड़े मामले की एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर आशीष मिश्र जो टेनी है वो वहां पर मौजूद थे, तो जो अभी फैसला है, याचिका खारिज की गई, इस पे और क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, बिल्कुल बता दूं, लखीमपुर तिकोनिया कांड जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, करीब 5000 पन्नों की एसआईटी ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उसमें जो सबूत मिले थे, जो साक्ष्य मिले थे, उसमें जो आशीष मिश्रा उर्फ मोनू जो है वो घटना स्थल पर मौजूद बताए जा रहे थे, और वहीं पर जब जो इनकी जो जमानत हुई है, जमानत याचिका को जो सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया गया था, उस पर आज सुनवाई भी थी, जो 10:25 पर जिसकी सुनवाई शुरू हुई थी, उसके बाद में करीब 45 मिनट तक जो है सुनवाई थी, उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है सुरक्षित रखा हुआ है। जी, अगर बात किया जाए, ये भी कहना है कि आशीष मिश्र को पहले से उस बात की खबर थी कि जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनके रूट में कुछ चेंजेस किए गए, उसकी सूचना उसको पहले से थी, इस बात को लेकर वहां के स्थानीय लोगों में क्या कुछ आक्रोश है, और इस सुनवाई के बाद जो ये सुरक्षित रखा गया फैसला, इसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? जी देखिये, बिल्कुल बता दूं, जो एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा भी है कि जो वहाँ पर जो डिप्टी सीएम का जो काफिला निकल रहा था, उसका जो रूट बदलाव भी किया गया था, उसकी जानकारी भी थी आशीष मिश्रा को, उसके बाद भी जो जाने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा है। और अगर हम यहाँ पर लखीमपुर खीरी के लोगों की चर्चाओं की बात करें, तो जो चर्चाओं का बाजार है वो पूरी तरीके से गर्म है। अगर हम किसान नेताओं की अगर बात करें, तो उनको जो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास से सहारा लगाए बैठे कि इनकी जो जमानत है वो खारिज करके इनको फिर से जेल भेजा जाएगा। वही और अगर हम अन्य नेताओं की बात करें, जो लखीमपुर खीरी के भाजपा के दिग्गज नेता हैं, उनका भी उन लोगों भी आस लगाए बैठे कि कहीं ना कहीं ये याचिका उसको खारिज कर दिया जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता संभालने के बाद से लगातार काम में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से जनता की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार लगाया गया, जिसमें अधिकारियों ने फरियादियों की समस्या सुनी। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद श्रावस्ती से प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर बच्चे को स्कूल भेजने का संकल्प लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले एक महीने में चलने वाले इस अभियान में घर घर जाकर दस्तक दी जाएगी और यह जाना जाएगा कि हर घर का बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं। प्रदेश का हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं प्रदेश के, वो देश का भविष्य है, उनकी शिक्षा बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के काल में बच्चों की शिक्षा पे खासा असर देखने को मिला है, बच्चों की शिक्षा कोरोना काल में खासा बाधित हुई है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने बच्चों को खाना भी खिलाया और उन्होंने ये भी कहा कि हमें यह संकल्प लेना होगा कि इस योजना के तहत हर बच्चे को स्कूल भेजने का संकल्प लेना होगा। स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है और इसी के साथ साथ जो विधायक है उनसे ये भी कहा गया है कि हर एक विधायक एक स्कूल को गोद ले, ताकि प्रदेश का हर एक बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके, वो शिक्षा से वंचित ना हो। प्रदेश के हर एक बच्चे को शिक्षा का हक है। कोरोना काल के बाद तमाम बच्चों की जो शिक्षा है वो बाधित हुई, करीबी के कारण कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो स्कूल का फीस नहीं भर पाए, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा सके।
दो सालों तक बच्चे इस घर में रहे, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद से एक अच्छा अभियान जो है स्कूल चलो अभियान वो मुख्यमंत्री की ओर से चलाया गया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद दोबारा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे, बच्चों की शिक्षा को लेकर वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे। साथ ही साथ जनता दरबार जो है वो भी उसका वो भी लगना शुरू हो गया, जिसमें अधिकारी जो है वो तमाम जगहों से आए, लोगों की फरियाद सुनते हैं, उनकी मुश्किलों को सुनते हैं और उसका समाधान किया जाता है। पहले भी जनता दरबार लगाया जाता था लेकिन कोरोना काल के चलते, कोरोना की वजह से इसको बंद कर दिया गया था, दोबारा से इसको शुरू कर दिया गया है। तो ये जो दो मुख्य अभियान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, उनको फिर से शुरू कर दिया गया है। दोनों योजनाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं इन योजनाओं का जो लाभ है वो बच्चों को, जो स्कूल चलो अभियान है उसका जो खासा फायदा है वो बच्चों को मिलेगा, हर एक बच्चे को हक है स्कूल जाने का, शिक्षा का। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा एक अहम मुद्दा है, लगातार जब चुनाव भी थे तो शिक्षा को लेकर कई पार्टियां इस पर सवाल उठा रही थी। वो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, ये जो दो अहम अभियान है, एक स्कूल चलो अभियान जो बच्चों के शिक्षा से जुड़ा है और दूसरा जो जनता दरबार है, दोनों की फिर से शुरुआत कर दी गई है, क्या कुछ उस पर अपडेट है? जी, आपको बता दें कि स्कूल चलो अभियान की शुरुआत आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती से की है और यूपी के 75 जिलों में अगर बात की जाए तो साक्षरता रेट जो श्रावस्ती का है वो सबसे कम है। अगर बात की जाए तो 75 जिलों में श्रावस्ती सबसे निचले पायदान पे है, तो योगी आदित्यनाथ वहां से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किए हैं, जिसके तहत वहां के जो अधिकारी होंगे वो स्कूलों की कायाकल्प को लेकर, उसके जीवन उद्धार को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और जागरूक करेंगे कि स्कूल जाए। साथ ही साथ जो स्कूलें होंगी वो अधिकारियों में बांटे जाएंगे कि इस पे आप निगरानी रखकर स्कूलों को संचालन पे आप विशेष ध्यान दें, साथ ही साथ स्कूलों को स्मार्ट क्लास देने के और पूरे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के भी आदेश दिए गए हैं सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से। अब वहीं अगर बात की जाए तो स्कूलों में छात्र के साथ शिक्षकों के जो संख्याएं कम है उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जल्दी नियुक्ति करके और स्कूलों में जो रिक्त पद है उसमें भर्ती किए जाएंगे। जी सिलसिला जो बिल्कुल जो जनता दरबार लगाया जा रहा है विभांशु, उसमें लाभार्थियों को कितना कुछ फायदा मिल पा रहा है और की कहाँ कहाँ से जो जनता दरबार में लोग है आ रहे हैं? जी सिलसिला आपको बता दें कि जनता दरबार 2017 में योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत किया था। इससे पहले वो जब गोरखपुर के सांसद थे तो वो गोरखपुर में भी जनता दरबार लगाए करते थे। तो इस सरकार में जो योगी सरकार 2.0 है उसमें आज जनता दरबार का पहला दिन था, जिसमें प्रदेश भर से जो पीड़ित लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर सीएम जो 5 KD आवास है वहाँ सीएम आवास पे पहुंचे। और साथ ही साथ आज पहला दिन था तो आज योगी आदित्यनाथ जो कि श्रावस्ती के दौरे पे थे, तो इस दौरान जो संबंधित अधिकारी और राज्य मंत्री थे और साथ ही साथ अधिकारियों के समक्ष तमाम जो समस्याएं थी उनको सुना और साथ में उस पर निदान दिलाने का बात भी कहा गया। और आपको बता दें कि ऐसे समस्या जनता दरबार में खासतौर पे ऐसा होता है कि अधिकारी और जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनके समक्ष समस्याओं को रखा जाता है और जल्द जल्द निदान दिलाने की बात कही जाती है। जनता दरबार में वो लोग आते हैं जो जिलों में समस्याओं का निदान नहीं पाते हैं, वो आखिरकार सूबे के मुख्यमंत्री के वहां जाया करते थे। उसी कड़ी में आज कई सारे सैकड़ों की संख्या में पीड़ित आए थे और 5 KD मार्ग पे मुख्यमंत्री आवास से अपनी समस्याओं को अधिकारी और साथ ही साथ संबंधित राज्य मंत्रियों से अवगत करवाए। ये जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। यूपी पीसीएल ने बिजली बिल के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है। बता दें कि 10,000 से अधिक के बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिजली विभाग ने बकायेदारों की सूची तैयार की है और 10,000 से अधिक बकाया होने पर कनेक्शन काटेगा और जिन्होंने बिजली बिल नहीं जमा किया है उन पर एक्शन लिया जाएगा। यह बड़ा कदम जो यूपी पीसीएल है उसकी तरफ से उठाया जा रहा है, जिसके तहत जो बकायेदार है, जो बड़े बकायेदार है, जिनकी ज्यादा की बकायेदारी है, बिजली का बिल ज्यादा बकाया है, उनका
बिल काटा जाएगा। लगातार बिजली के बिल को लेकर चुनावों में भी कई तरह के वादे और दावे किए जा रहे थे, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा था बिजली को लेकर, बिजली के बिल के जो दाम है उनको लेकर। अब देखना यह होगा कि ऐसे जो कदम है इससे क्या कुछ असर पड़ेगा। बिजली बिल जिसका भी बकाया होगा उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। यूपी पीसीएल ने इसकी सूची भी तैयार कर ली है, जो बकायेदार है उनकी सूची यूपी पीसीएल द्वारा तैयार की गई है। यूपी पीसीएल ने इसकी सूची तैयार की है, जो बड़े बकायेदार है उनका जो बिजली का बिल है वो काटा जाएगा। बड़े बकायेदारों पर एक्शन लेने की पूरी तैयारी यूपी पीसीएल द्वारा कर ली गई है और इस सूची में जिन किसी का भी नाम होगा, जिनकी भी ज्यादा बकायेदारी होगी बिजली की बिल, उनका जो बिजली है वो काट दिया जाएगा। इसलिए 10,000 से भी ज्यादा जिसका भी बिजली का बिल हो उसे जल्द से जल्द अपने बिजली का बिल भरना होगा। और यह बड़ा एक कदम यूपी पीसीएल द्वारा उठाया गया है। लगातार कहा जा रहा था कि तमाम बिजली के बिल माफ किए जाएंगे और जो कर्ज है वो माफ किए जाएंगे बिजली के बिल के, लेकिन इस बीच जो यह एक बड़ा जो स्टेटमेंट सामने आया है यूपी पीसीएल द्वारा, जो यूपी पीसीएल ने एक बड़ी सूची तैयार की है 10,000 से ज्यादा बिजली के बिल जिनके होंगे उनके बिजली के बिल काट दिए जाएंगे, इसको लेकर हो सकता है कुछ लोगों को हाथ भी पहुंचा हो, क्योंकि लगातार चुनाव के दौरान यह भी कहा जा रहा था कि जिन बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, जो सरचार्ज है वो माफ किए जा रहे थे, लेकिन इसके बाद से यह एक जो सूचना आई है यूपी पीसीएल के द्वारा यह एक अहम फैसला है। वहीं इससे खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, चुनाव के वक्त से बिजली को लेकर काफी घमासान रहा है, विपक्षी पार्टी मुफ्त बिजली का वादा कर रही थी, ऐसे में यह कार्रवाई कितना असर डालेगी? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसकी तरफ से आज एक फरमान आया है, सूचना आया जिसके तहत जिस बिजली कस्टमर जो होंगे, जो उपभोक्ता होंगे, उनके अगर जो बिजली के बिल 10,000 से ऊपर होंगे तो उन्हें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। साथ ही साथ बिजली के बिलों को जो प्रदेश भर में समस्याएं आती है कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं जो अच्छे खासे मात्रा में बिजली के बिल उनके रहते हैं वो जमा नहीं करते हैं और छमाही या मासिक आधार पे नहीं जमा करते हैं और वार्षिक आधार पे अपने बिलों को जमा करते हैं, जब वो लंबा हो जाता है और बिजली विभाग की तरफ से काफी पैरवी की जाती है, उसी क्रम में यूपी पीसीएल की तरफ से एक फरमान आया है कि अब 10,000 से ऊपर के इनके बिजली के बिल होंगे उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इस जो यूपी पीसीएल का ये पत्र के माध्यम से जानकारी है, इस फरमान के माध्यम से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता होंगे उन्हें 10,000 के अंदर जब बिजली के बिल, लेकिन विभांशु जो बिजली का बिल नहीं जमा किया उनमें ज्यादातर किसान भी है जिन्होंने अपने खेतों की सिंचाई की गई है, उनका भी क्या वो भी इस जो मुहिम है उसकी चपेट में आएंगे किसान जो है? अगर बात करें तो हम मैनिफेस्टो की तो जो 2022 का चुनाव उसमें सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में लिखे थे कि किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी सिंचाई हेतु, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या किसानों को वाकई में बिजली मिलती है। और वहीं अगर बात की जाए तो जो किसानों की बिजली होती है वो ट्यूबवेल से जाती है वो, और बात की जाए तो ये जो फरमान आया जो पत्र की कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल ये जो एक योजना सामने आई है यूपी पीसीएल ने जो सूची तैयार की है, इसके बाद अब देखना यह होगा कि जो किसान है क्या वो भी इसकी चपेट में आएंगे जिन्होंने अपने खेतों की सिंचाई की है, क्योंकि चुनाव के दौरान लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो सत्ताधारी पार्टी है सबके द्वारा बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे थे कि किसानों के जो बिजली के बिल है वो माफ किए जाएंगे, वैसे में देखना यह होगा कि इस जद में कौन कौन आता है। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।